लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। तो बेसिक वाली जो चीज़ें हैं लाइंस के बारे में, जैसे कि लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, ये सब आप लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 यूक्लिड के पॉस्टेट और एग्जाम्स उसमें सीख कर आ चुके हो। तो लाइंस किसे कहते हैं ये आप सीख चुके हो पहले से। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये है प्यारे बच्चों, मैंने कोई एक बनाया पॉइंट। ये क्या बनाया मैंने बोर्ड पर, एक पॉइंट। ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है। अ पाइन डॉट ऑन पेपर इज नोन एज अ पॉइंट। ओके, ये कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए इसका नाम है ए, और इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची और उसकी एक डायरेक्शन बना दी, तो ये बन के क्या तैयार हो गया। तो आंसर है एक रे, जो कि इस रे का नाम हम क्या रखेंगे, ए बी, है ना। ए बी क्या है, एक रे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रे ए बी को इस पॉइंट ए से यहाँ पर ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे रोटेट कराया, ठीक है। फिर से मैंने इस ए बी रे को क्या कराया, ऐसे रोटेट कराया। तो मैं इस तरह से इसको रोटेट कराता हूँ, तो ये रे जब यहाँ से ऐसे रोटेट होती है तो ये यहाँ पर आ गई ऐसे, ठीक है। तो जब ये रे यहाँ पर आ गई तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कुछ क्रिएट हो गया। क्या हो गया, कुछ ना कुछ क्रिएट हो गया। फिर से जब इस रे ए बी को यहाँ से ऐसे रोटेट कराएगा तो रोटेट कराने पर यहाँ कुछ क्रिएट हो गया, और जो क्रिएट हो गया वो क्या क्रिएट हुआ और क्यों क्रिएट हुआ। तो आंसर है ये क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि आपने क्या कराया था, रोटेशन। आपने क्या कराया, रोटेशन कराया। अगर आप रोटेट नहीं कराते तो ये एक सिंपल एक रे थी, और आपने इस रे को यहाँ पर रोटेट कराया इसलिए यहाँ पर कुछ क्रिएट हुआ, और जो यहाँ पर क्रिएट हुआ उसका नाम हम क्या रखते हैं, एंगल, ठीक है। तो ये एंगल एक्चुअल में क्या होता है, तो आंसर है कि एंगल क्रिएट हो जाता है कब, जब एक रे को रोटेट कराया जाता है एक पॉइंट के अलोंग, क्या करते हैं हम, रोटेट कराते हैं। तो जो ये रे है ए बी रे, इस रे को हमने जिसको रोटेट कराया था, जो स्टार्टिंग में थी हमारे पास, उसका नाम हमने रखा है इनिशियल रे। कौन सी रे है ये, इनिशियल रे। और फिर इसको रोटेट कराकर इस पोजीशन पर लेकर आ गए यहाँ पर, इसका चलिए नाम मैं अब चेंज कर देता हूँ सी, ठीक है। तो ये जो इनिशियल रे है, यही रोटेट कराकर जब ये यहाँ आ गई तो इसका नाम मैंने रख दिया ये इनिशियल रे, दिस इज टर्मिनेट रे, दिस इज टर्मिनल रे, ऐसे नाम रख दो इसका, टर्मिनल रे। ओके, ठीक है। अब इनिशियल रे से, इनिशियल रे को रोटेट कराकर टर्मिनल रे बनाकर, बनाने पर हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, हमारे पास एक एंगल क्रिएट हो जाता है। तो एंगल एक्चुअल में क्या होता है, तो एंगल आंसर है कि जो एंगल होता है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अगर आप ज़्यादा रोटेट कराओगे तो हम कहेंगे ज़्यादा बड़ा एंगल बना, अगर हम छोटा रोटेट कराएंगे तो छोटा एंगल बना। एग्जाम्पल के लिए कि अगर ये मेरे पास कोई एक रे है, इस रे को मैं यहाँ से रोटेट कराऊँ और सिर्फ इतना रोटेट कराऊँ तो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में भी कैसा एंगल है, तो आंसर है एक छोटा एंगल है। तो छोटा एंगल क्यों बना, क्योंकि हमने जो रोटेशन कराया इसको वो थोड़ा कम कराया। तो इसका मतलब ज़्यादा रोटेशन, ज़्यादा बड़ा एंगल। छोटा रोटेशन कराओगे, थोड़ा सा रोटेशन कराओगे तो छोटा सा एंगल बनेगा। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या डिसाइड करता है कि वहाँ पर कितना बड़ा एंगल बनेगा या कितना छोटा एंगल। अगर इस रे को सपोज करो ये एक रे है, और इस रे को मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कराकर इतना लेकर आ जाता हूँ ऐसा यहाँ तक, तो यहाँ पर इतना बड़ा एंगल बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि एंगल बड़ा या छोटा, क्या किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उसे रोटेट कितना करा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम यही लिख लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि एंगल क्रिएट कैसे होता है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए एंगल क्रिएट कैसे होता है। तो आंसर है जब भी किसी रे को हम रोटेट कराते हैं तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक एंगल। और वो एंगल मेजर हम कैसे करते हैं,
तो आंसर अगर आप एंगल मेजर करना चाहते हैं तो आप ये मेजर कर लो कि आपने रोटेशन कितना कराया है। जितना ज़्यादा आपने रोटेशन कराया है उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमसे एंगल की कभी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, इट इज मेजर, ये जो मेजरमेंट है ये किसका मेजरमेंट है, इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनेटिंग रे या टर्मिनल रे, इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। ठीक है, इस तरह से तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एंगल क्रिएट कैसे होता है। अब ये जो एंगल बनते हैं ये वेरियस वेरियस टाइप के होते हैं, इनके जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो जब भी आप एंगल बनाओगे तो एंगल तो बहुत टाइप का हो सकता है, अगर थोड़ा सा रोटेट करोगे तो एक टाइप बन जाएगा, इतना रोटेट कर दोगे तो एक टाइप बन जाएगा, और ज़्यादा रोटेट कर दोगे तो और दूसरा टाइप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल के टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड किस बात पर करेगा, ऑलवेज कि आपने कितना रोटेट कराया है। ठीक है, तो सपोज करो जब मैं किसी रे को रोटेट कराता हूँ लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पर एक ये रे है, ये इनिशियल रे है, इस इनिशियल रे को मैंने इतना रोटेट कराया, ये यहाँ से लेकर गया और यहाँ पर लेकर आ गया इतना, ठीक है, ठीक है, कितना रोटेट कराया मैंने, इतना रोटेट कराया। तो ये आप जानते हो पहले से कि इसका जो मेजरमेंट है वो इस एंगल का मेजरमेंट किससे लेस है, तो आंसर है 90 डिग्री से लेस है, है ना। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर इस यहाँ तक भी अगर मैं करवाता हूँ तो ये जो एंगल है वो कितना कम है, लेस देन 90 डिग्री है। और जितने भी लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल होंगे उनका नाम क्या रखा जाएगा, एक्यूट एंगल। क्या नाम रखा जाएगा प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल। सो व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो आंसर है सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो आंसर है द एंगल हुज मेजर, जिसका मेजरमेंट कितना होता हो, हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, इज लेस देन 90 डिग्री क्या कहलाएगा, कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से कम जो भी आप रोटेशन कराओगे वो सारे के सारे एंगल किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, तो आंसर है एक्यूट एंगल की कैटेगरी में। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों फर्स्ट टाइप। ओके, अब मैंने क्या किया, इस रे को यहाँ तक मैंने रोटेट कराया था, अब मैं रोटेट कराते हुए यहाँ तक लेकर आ गया, यहाँ शुरू करके रोटेट कराते हुए कहाँ तक लेकर आ गया, यहाँ तक। तब उस केस में क्या होगा, है ना, तो वो हमारा सेकेंड टाइप बन जाएगा एंगल का, सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये एक रे है ऐसे, और इस रे को मैंने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कराया, रोटेट कराया, सच दैट कि जो मेरी टर्मिनल रे है वो ये बन गई, ये मेरी इनिशियल रे है ओ ए, और ये मेरी टर्मिनल रे बन गई ये इस तरह से। तो अब इस बार जो मैंने रोटेट कराया, तो रोटेट कराने पर मैंने जो एंगल मेजरमेंट देखा तो वो एंगल मेजरमेंट मुझे कितना मिला, 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री मिला, एग्जैक्टली इक्वल किसके मिला, 90 डिग्री के। तो इस तरह के एंगल जहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट है जहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं उनको हम, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होते हैं अगर हम देखें, तो द एंगल हुज मेजर मेजरमेंट जिनका कितना होता है, इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री, है ना, क्या कहलाते हैं,
तो आंसर है उनको हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है ना, उनको हम राइट एंगल कहा करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में मैंने सिर्फ इतना रोटेट कराया था, मतलब 90 डिग्री से कम कराया था, तो उसका नाम रखा गया एक्यूट एंगल। फिर दूसरे वाले केस में मैंने इतना करा दिया, एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल करा दिया, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रोटेशन को और बढ़ाते हैं। इस रोटेशन को अभी तक हम यहाँ लेकर आए हैं, अब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ पर बनाई मैंने एक रे ओ ए इस तरह से, और इस रे को अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो एक्यूट एंगल, इतना कर देता हूँ राइट एंगल, और थोड़ा सा घुमा देता हूँ तो अगर मैं इतना रोटेट कर दूँ तब क्या होगा, इतना। ठीक है, तो आंसर है कि ये जो आपने रोटेशन कराया है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है या नहीं है। ये जो एंगल है हमारा जो 90 डिग्री होता अगर आप बनाते सर तो यहाँ होता 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री से ये कैसा है, ज़्यादा है। बट यहाँ पर आप जानते हो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री से ये कैसा है, कम है। तो इस तरह का जब एंगल यहाँ पर बन के तैयार होगा तो ऐसे एंगल का नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम तो आपको याद है, इसका नाम हमने रखा राइट एंगल, है ना। और इस तरह के जब एंगल आएंगे जो कि 90 डिग्री से तो बड़े हैं, है ना, बट 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल का नाम हमने क्या रखा है, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, क्या नाम रखा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यही हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो गई, ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल, द एंगल हुज मेजर, द एंगल हुज मेजर कैसा, लेस देन 180 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, क्या लिखना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, बट नहीं, लेस देन 180 डिग्री ठीक लिखा मैंने, लेस देन 180 डिग्री बट मोर देन 90 डिग्री ऐसे लिखना चाहिए, है ना। तो द एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो फिर से देखिए क्या क्या रोटेशन हो चुके। नंबर वन, ये जो रे है ओ ए इसको रोटेट कराया सिर्फ इतना, यानी इस और इस लाइन के बीच में कहीं पर भी रोटेट कराओगे तो वो 90 डिग्री से कम रहेगा। ये वाला जो पॉइंट होता है आप जानते हो 90 डिग्री होता है, तो अगर आप इस रे को सिर्फ इतना रोटेट कराओ, इतना कराओ, इतना कराओ, 90 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में, है ना, अगर आप कहीं भी रोटेट कराते हो तो वो सारे के सारे एंगल क्या कहलाएंगे, तो आंसर है एक्यूट एंगल, है ना। फिर आप अगर अपने रोटेशन को यहाँ एग्जैक्टली यहाँ लेकर आ जाते हो, इसको रोटेट कराते कराते एग्जैक्टली यहाँ आते हो तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। फिर अपने रोटेशन को अगर आप 90 डिग्री से भी अगर आगे लेकर चले गए तो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा बना लेकिन 180 डिग्री से छोटा बना, ठीक है ना, तो ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। इसके बाद नेक्स्ट, फोर्थ, नेक्स्ट हमारे पास हुआ करता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल। अब हम अपने रोटेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो देखिए कैसे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारे पास है रे ओ ए, ओके, ये रे है ओ ए। अब अगर मैं इसको इतना लेकर जाता हूँ तो एक्यूट एंगल, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो राइट एंगल, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमाकर और पूरा ऐसे लेकर आ जाता हूँ तो ये ऐसा आ गया फाइनली, जो ऐसा दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एंगल बनाया है, जो रोटेशन आपने कराया है, वो अमाउंट ऑफ रोटेशन इतना है, है ना, और ये एंगल कितना चल लिया आपने, तो आंसर है 180 डिग्री। तो जब आपने 180 डिग्री चल लिया तो ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम क्या रखेंगे, स्ट्रेट एंगल, इसका नाम क्या रखा जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बनती है, तो आंसर है द एंगल हुज मेजर, उसका एग्जैक्टली मेजर कितना होगा, हुज मेजर
इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, क्या कहलाएगा कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, क्या कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। ओके सो दिस इज स्ट्रेट एंगल। तो अब हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, हमारी जर्नी वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, इतना घुमाया एक्यूट, इतना घुमाया राइट एंगल, इतना घुमाया ऑब्ट्यूज एंगल और पूरा घुमा दिया कितना स्ट्रेट एंगल। ये चार टाइप हो गए, अभी हम इसको और ज़्यादा रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ, इसके बाद अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। तो फिफ्थ वाला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। अब हम अपने रोटेशन को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब फिर से यहाँ पर ले लेते हैं हम, चलिए कोई एक रे ऐसे, ये हमने कोई एक रे बनाई ओ ए। अब इस रे को ओ ए रे को हम कहाँ तक ले जा चुके हैं, 180 डिग्री तक, ठीक है ना, ऐसे ओ ए। अब इसको हम 180 डिग्री तक तो ले जा चुके हैं यहाँ तक, है ना, ये हमारा क्या होता है 180 डिग्री। अब हम इससे भी, हम इसको ऐसे रोटेट कर लाए और इससे भी नीचे लेकर चले गए यहाँ पर कहीं पर, है ना, ऐसे लेकर चले गए। तो अब यहाँ पर हमारा एक एंगल क्रिएट हो गया, ये इतना एंगल, है ना, ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ये किससे बड़ा है एंगल, तो आंसर 180 डिग्री से तो बड़ा है, बट किससे छोटा है, तो आंसर है ये एंगल हमारा 360 डिग्री से कैसा है, छोटा, या मैं कहूँ कि 270 डिग्री से कैसा है, छोटा, या फिर 270 डिग्री नहीं, मुझे बल्कि कंप्लीट कहना चाहिए 360 डिग्री से ये कैसा है, लेस है, ठीक है। फिर से ये जो एंगल मैंने बनाया है ये एंगल 180 डिग्री से कैसा है, ग्रेटर, बट 360 डिग्री से अभी भी कैसा है, छोटा। देखो अगर आप यहाँ पूरा घुमा देते हो इसको, तो यहाँ पर घूमने पर ये कितना एंगल घूम जाएगा, 360 डिग्री, 0 डिग्री से उठाया और घुमाकर कहाँ पर ले जाओ, 360 डिग्री पर, लेकिन हमने 0 डिग्री से घुमाकर पूरा 360 डिग्री नहीं ले गए, हमने इसको घुमाया और 180 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया। तो इसका मतलब अभी ये जो एंगल बना है 180 डिग्री से कैसा है, ज़्यादा, बट 360 डिग्री से कैसा है, कम है, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं, द एंगल हुज मेजर व्हाट, मोर देन 180 डिग्री, बट कैसा, लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो क्या कहलाएगा कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी रोटेट कराने की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आप ये समझिए। सबसे पहले हमने ये देखा कि जब भी हमारे पास कोई भी एक रे होती है, अगर हम उस रे को रोटेट करा दें, ज़रूरी नहीं है आप ऐसा रोटेट कराएं, ऐसा भी करा सकते हैं, ऐसा भी करा सकते हैं। अगर आप ऐसा रोटेट कराते हैं तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, अगर आप यहाँ से ऐसा रोटेट करा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन दोनों ही केसेस में जैसे ही आप रोटेट कराते हैं तो जैसे ही इनिशियल रे टर्मिनल रे बनती है, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसको मेजर कैसे करेंगे, तो आंसर है जितना ज़्यादा रोटेशन उतना बड़ा एंगल, इसीलिए हमने डेफिनेशन क्या बनाई, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक, क्या कहलाता है, एंगल, ठीक है। अब ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी पर बेस्ड हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल बना लिए, जैसे अगर सपोज करो आप इसको सिर्फ इतना घुमाते हो, मतलब जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, है ना, तो ऐसा एंगल जो ग्रेटर हो 0 डिग्री से बट लेस देन किससे हो, 90 डिग्री से, तो ऐसे एंगल का नाम हम क्या रखते हैं, एक्यूट एंगल। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो सिर्फ इतना घुमाने पर एक्यूट एंगल नाम दिया। फिर हमने अपने रोटेशन को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया, क्या बढ़ाया, कि हमने इतना की जगह अब इतना कर दिया,
तो ये जो एंगल बना ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का बना, और ऐसे एंगल का नाम क्या रखा जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, फिर हम थर्ड पर आ गए। थर्ड पर हमने क्या देखा कि अब हम यहाँ से इतना से और आगे बढ़ गए, यहाँ पर आ गए। तो अब ये जो एंगल इतना यहाँ तक तो 90 था, लेकिन हमने तो और ज़्यादा बढ़ा दिया, यहाँ तक आ गए। तो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया यानी 90 डिग्री से ज़्यादा बना दिया, लेकिन हमने 180 डिग्री से अभी भी कम बनाया है। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर हमने रोटेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और जब हमने रोटेट कराया तो उस रे को रोटेट जो हमने यहाँ तक रोटेट कराई थी अब उसको यहाँ तक लेकर आ गए। तो ये यहाँ से चला और यहाँ तक रोटेट हुआ तो कितना एंगल चल दिया? 180 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में हमने इस एंगल को थोड़ा सा और घुमाया, इस वाली रे को थोड़ा सा और घुमा दिया तो ये ऐसा आ गया। अब ये जो मेजरमेंट है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 360 डिग्री से अभी कैसा है? कम। तो ऐसा एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आता है, कौन कौन से टाइप हो गए? सबसे पहले तो एक्यूट हो गया, दूसरा नंबर पर आ जाता है राइट एंगल, थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूज, फिर आ जाता है स्ट्रेट एंगल फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्स। अब हम इसको फाइनली पूरा रोटेट कर देते हैं, मतलब जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक रे है ओ ए, ओके। अब इस रे ओ ए को आप इतना रोटेट करते हो एक्यूट, इतना करते हो राइट एंगल, इतना कर देते हो ऑप्टूज, और पूरा कर देते हो यहाँ से रोटेट इतना कर देते हो तो यहाँ तक आ जाओ आप आ जाते हो तो स्ट्रेट एंगल। अब इससे भी ज़्यादा रोटेट अगर आप कर देते हो है ना, तो एंगल कौन सा बन जाता है हमारे पास इस वाले केस में? अगर ये रे हम यहाँ बना देते हैं तो 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम बनाते हैं तो उस केस में बनता है रिफ्लेक्स एंगल। और अगर हम इस रे को यहाँ से उठाएं और यहाँ से उठाकर वापस यहाँ लेकर चले जाएं तो इसका मतलब आपने ये पूरा एंगल चल लिया, आपने 0 डिग्री से शुरू किया और 360 डिग्री तक चले गए। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 360 डिग्री का। तो ऐसे एंगल का जो नाम रखा जाएगा, तो हम कहेंगे अब हम जितना एंगल चल सकते थे एक रोटेशन में वो हम मैक्सिमम एंगल कंप्लीट एंगल चल चुके हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या रख देंगे? कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, तो कंप्लीट एंगल जो है हमारा टाइप हो गया 6। तो कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? द एंगल हुज मेजर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो? 360 डिग्री के इक्वल, हुज मेजर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास हुआ करता है नेक्स्ट, इसके बाद वो क्या चर्म है वो आप समझ लो, वो एंगल से रिलेटेड अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बार बार यूज करनी है इस चैप्टर में। ये तो हो गए आपके टाइप्स, अब कुछ टर्म हैं जो रिलेट करते हैं, सम टर्म रिलेटेड टू एंगल। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक रे है, ये एक रे है और इस रे को आपने रोटेट कराया ऐसा, ठीक है, और ये रोटेशन आपने करा दी सपोज करो यहाँ तक, तो यहाँ कोई ना कोई क्या क्रिएट हो गया होगा? तो आंसर है एक एंगल क्रिएट हो गया होगा। ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? एक एंगल। अब यहाँ पर हमने बीच में से एक रे खींचनी है, इस ओ पॉइंट से हमने क्या करा? एक रे और खींच दी बीच में, ऐसी ओ सी, और हमने एक टर्म यूज किया कि ये जो रे ओ सी है इसने ये जो एंगल था ना, जो पहले एंगल था, उस एंगल को अब कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो आंसर है दो पार्ट में, है ना, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। और अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हुए, है ना, फिर से समझो ये वाली चीज़, फिर से ध्यान से देखो कि हमारे पास रे है ओ ए
और ये आपने कोई एक एंगल चला हुआ है ऐसा सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पर ये है ओ बी, ओके। अब यहाँ पर अभी एक एंगल है, कितने एंगल है, तो आंसर कोई एक एंगल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक रे खींच दूँ ऐसी ओ सी, तो ये जो एंगल है अब कितने एंगल हो गए, तो आंसर दो एंगल हो गए, एक एंगल देखो इतना ये है और इतना ये है। इसी तरह से यहाँ पर अगर सिर्फ इतना होता तो ये यहाँ पर एक एंगल होता, लेकिन आप जैसे ये रे खींचते हो तो वहाँ पर दो एंगल बन जाते हैं। अब अगर मान लो ये दोनों एंगल जो यहाँ पर बन के तैयार हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये आपस में इक्वल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे कि ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। कब, अगर ये वाला एंगल वन और एंगल टू आपस में कैसे हो इक्वल, एंगल वन और एंगल टू आपस में कैसे हो इक्वल। फिर से जब हम एक रे को ऐसे रोटेट कराते हैं तो क्या क्रिएट होता है, एक एंगल, और उस एंगल पर अगर मैं एक और लाइन खींच देता हूं जो उसको कट कर रही है उस एंगल को दो पार्ट में, और अगर वो दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं, ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट अगर आपस में इक्वल हैं, तो ये जो ओसी लाइन है, ये ओसी लाइन को हम क्या कहेंगे कि ओसी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो आंसर है एंगल बाइसेक्टर वो रे होती है जो एंगल को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है ना, तो यहां से अगर मैं देखूं तो देखिए इसको ऐसे रोटेट कराया तो ये वाली जो एंगल है ये इस वाली रे ने, ओसी वाली रे ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगर ये दोनों एंगल थ्री और फोर, अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, थ्री और फोर आपस में इक्वल हैं, तो मैं कहूँगा कि ओसी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ओसी, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और इस वाले केस में भी ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर समझ आ गया कि जब भी कोई भी रे किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है तो वो रे क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसके बाद और एंगल से रिलेटेड कौन कौन से टर्म हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपके पास सपोज करिए कोई एक रे है ओ ए, ओके, और ये जो रे है ओ ए इसको आपने रोटेट कराया और रोटेट कराने पर इसने एक एंगल क्रिएट कर दिया, ओ ए को रोटेट कराया आपने इस तरह से, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया ये। अब इस एंगल को आप पढ़ोगे कैसे, तो पढ़ने का दो तरीका है कि आप ए ओ और बी, आप कहाँ से स्टार्ट करो, अपना जो भी आपका इनिशियल रे है उसका नाम लिख लो ओ ए, है ना, या इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दो ए ओ बी, ये कवर हो जाना चाहिए, ये वाला जो एंगल है ये दोनों साइड कवर हो जानी चाहिए जिसके बीच में ये बन रहा है। तो इस एंगल को आप ऐसे पढ़ोगे, यहाँ से स्टार्ट करो ए ओ बी, तो ये आपने पूरा पाथ चल दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे ए ओ बी, या अगर आप चाहो तो इधर से भी पढ़ सकते हो इसे बी ओ ए। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो इस एंगल को। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ टर्म हैं जो एंगल से रिलेटेड हैं, उनमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टर्म होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये जो एंगल है ए ओ बी या बी ओ ए, इसके अंदर यहाँ पर भी देखो एक प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी प्लेन दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर आपको दो ये दो साइड दिखाई दे रही हैं, तो ये जो प्लेन को एक एंगल डिवाइड कर रहा है ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आंसर है तीन पार्ट में। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला प्लेन आपको जो दिखाई दे रहा है, इस प्लेन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज करो एक कोई पॉइंट बनाया लाइक एम, तो हम क्या कहेंगे कि ये इस एंगल के अंदर ही बना हुआ है, ये पॉइंट कहाँ पर बना हुआ है, इस एंगल के अंदर बना हुआ है, तो ऐसा जो पॉइंट होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इंटीरियर ऑफ एंगल है, ये टर्म क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ एंगल। ओके, अच्छा, अब मान लो
मैंने एक पॉइंट यहाँ कहीं बना दिया लाइक दिस, ऐसा एच यहाँ बना दिया, तब इसको हम क्या कहेंगे? तो आंसर है ये, देखो एंगल हमारा जो है वो ऐसा है, ऐसा, तो अंदर जो भी चीजें होंगी वो इंटीरियर कहलाएंगी, और इसके अलावा बाहर प्लेन में जो कुछ भी होगा वो सब एक्सटीरियर कहलाएगा, बाकी सब कुछ जो कुछ भी बच गया इस सरफेस पर, वहां पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सबके सब कहां पर लाई कर रहे होंगे? एक्सटीरियर ऑफ एंगल में। तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगा? एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। अब यहां पर हमारा एच पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? एक्सटीरियर में, ठीक है। अच्छा, अब एक और तीसरी चीज, अब मान लो मैंने एक यहां पर पॉइंट बना दिया एन, तो जब आप यहां पर इस एंगल को पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे कैसे, ए ओ बी, जब आप बी पर जा रहे होगे तो एन पॉइंट बीच में रास्ते में आ जाएगा, तो रास्ते में आ जाएगा यानी कि ये कहां पर लाई कर रहा है? ऑन द एंगल, है ना। तो ये कहां पर लाई कर रहा है? ऑन द एंगल। तो एंगल को पढ़ते वक्त अगर कोई पॉइंट बीच में आ रहा है यानी कि वो कहां पर लाई कर रहा है? ऑन द एंगल। जैसे यहां पर मैंने सपोज करो एक कोई पॉइंट बनाया पी, अब आप सपोज करो इस वाले एंगल को पढ़ रहे हो, तो देखो पढ़ोगे तो देखो बी ओ ए, तो जब आप बी ओ ए को पढ़ोगे तो पॉइंट पी रास्ते में आ जाएगा, तो पॉइंट पी हम क्या कहेंगे? कहां पर लाई कर रहा है? ऑन द एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब प्लेन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो यहां पर ये जो प्लेन है ना, इसका क्या अभी कोई पार्ट है? तो आंसर यहां पर अभी कोई पार्ट नहीं है। चलिए यहां पर एक एंगल बना लेते हैं। तो जैसे ही आप एंगल बनाते हो, यहां पर आप क्या करते हो, एक एंगल बनाते हो, तो ये एंगल बनते ही यहां पर तीन पार्ट हो गए। नंबर वन पार्ट तो हो गया ये वाला, ये इंटीरियर पार्ट कहलाएगा। नंबर टू वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा ये बाहर वाला पार्ट, सारा प्लेन का एक्सटीरियर वाला पार्ट। और नंबर थ्री पार्ट हो गया जो कि एंगल पर लाई करता है। तो ये वाला जो जितने भी पॉइंट होंगे जो यहां पर लाई करेंगे वो सब का क्या कहलाएंगे कि वो कहां पर लाई कर रहे हैं? इंटीरियर ऑफ एंगल, है ना। कहां पर लाई कर रहे हैं? इंटीरियर ऑफ एंगल। और जितने भी पॉइंट यहां पर बाहर लाई कर रहे होंगे इस जगह पर, वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर ऑफ एंगल। और जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे, तो जब हम इन एंगल को पढ़ेंगे तो वो बीच में रास्ते में आएंगे, तो हम कहेंगे एंगल पर आ रहे हैं वो, तो उन पॉइंट्स का हम क्या नाम देंगे? उनका नाम रखेंगे हम ऑन द एंगल। ये कहां पर लाई कर रहे हैं? ऑन द एंगल, इस तरह से। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि सपोज करो इस तरह से मैंने एक एंगल बनाया ए ओ बी, इसको कैसे पढ़ोगे? ए ओ बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको कुछ पॉइंट यहां पर देता हूं, जैसे एफ जी, और यहां पर कोई पॉइंट है एच, यहां पर कोई पॉइंट है आई, यहां पर कोई पॉइंट है जे, यहां कोई पॉइंट है के, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इंटीरियर ऑफ एंगल वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर दोगे कि इंटीरियर ऑफ एंगल वाले जो पॉइंट होंगे वो होंगे जी एंड एफ। क्या आंसर दोगे? जी एंड एफ, ये कहां पर लाई कर रहे हैं? इंटीरियर में। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटीरियर वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल वाले पॉइंट जो हैं, जो कि अंदर वाले प्लेन को छोड़कर बाकी बाहर जितने बने हैं, जैसे एच देखो बाहर बना हुआ है, आई बाहर बना हुआ है ना, तो ये एच आई ये सब क्या हैं? एक्सटीरियर ऑफ एंगल। अच्छा, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो ऑन द एंगल होंगे, कहां पर होंगे? ऑन द एंगल। तो वो वाले पॉइंट कौन कौन पॉइंट कौन कौन से हैं? तो आंसर, एक तो पॉइंट जे यहां पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट के इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो जब हम एंगल को पढ़ेंगे तो वो एंगल पर लाई कर रहा होगा, है ना। जैसे बी ओ ए पढ़ोगे तो जे रास्ते में आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? कहां पर आ रहा है? ऑन द एंगल। तो ये आ गया जे एंड के। तो ये प्यारे बच्चों तीन टर्म हैं जो एसोसिएट होते हैं किसके साथ? एंगल के साथ, और ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज टर्मिनोलॉजी अबाउट एंगल। अब कुछ स्पेशल टाइप हैं, जब हमारे पास दो एंगल बन जाते हैं तो उनके कुछ स्पेशल टाइप बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कोई एक रे है ओ ए, ओके, ओ ए एक रे है, इसको रोटेट मैंने कराया, और रोटेट कराने पर यहाँ तक मैं लेकर आया,
इस पॉइंट तक ये ओ बी बन गई रे, ओके रोटेट करा दिया। अब रोटेट कराने पर यहाँ पर जो एंगल बना है आप जानते हो कितना बना है, 90 डिग्री। अब ये जो एंगल बना है इस एंगल में मैंने यहाँ पर एक रे खींच दी कहीं पर भी, ओके कहीं पर भी, जरूरी नहीं है यहाँ पर बीच में से खींचूँ, इधर भी खींच सकता हूँ, इधर भी, कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर दो एंगल क्रिएट हो गए, एक एंगल वन और एंगल टू। अगर मैं पूछूँ कि एंगल वन और टू को ऐड कर दूँ तो कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे कि देखो वन और टू अगर मिला दोगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल वन और टू इस केस में फिर क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता हो 90 डिग्री, वो एंगल क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यही हमारी नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल्स आर सेट टू बी, द एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम, इफ द सम ऑफ हूज मेजर, अगर उनका जो मेजरमेंट है उनका सम किसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो द एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ हूज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पर एक रे जो बनाई है लाइक दिस, ऐसे ये मैंने एक रे बनाई ओ ए, और ये मैंने इसको रोटेट करा दिया यहाँ से ऐसे। जब मैंने इसको रोटेट करा दिया तो आपको पता है यहाँ पर एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ओके। अब मैंने एक और रे बनाई ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ है इतना, और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल वन और एंगल टू, या इनका चलिए दूसरा नाम रखता हूँ मैं, एक का नाम थ्री और एक का नाम फोर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 90 डिग्री ही होगा, मतलब एंगल थ्री और एंगल फोर का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल थ्री और फोर का सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जिसमें से एक एंगल को दूसरे एंगल का हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस बात का मतलब ये है कि एंगल वन का कॉम्प्लीमेंट कौन है, एंगल टू, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर इस एंगल में कितना एंगल ऐड करा दिया जाए सच दैट कि दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो एंगल वन का कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल कौन बना देगा, एंगल टू, अगर एंगल वन और टू ऐड हो जाए तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल वन का कॉम्प्लीमेंट एंगल टू कहलाता है, और एंगल टू का कॉम्प्लीमेंट कौन कहलाएगा, एंगल वन। इसी तरह से एंगल थ्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो उसमें ऐड हो जाए तो सम 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल थ्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फोर है। इसी तरह से एंगल फोर का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो एंगल फोर का कॉम्प्लीमेंट एंगल थ्री है, क्योंकि एंगल फोर में अगर एंगल थ्री ऐड हो जाएगा तो सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो किसी भी एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, जो ऐसा एंगल जो उसमें ऐड हो जाने पर कितना सम देता है, 90 डिग्री, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अब इसी तरह से जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरह से सपोज करो आपके पास कोई एक रे है ओ ए लाइक दिस, और इस रे ओ ए को आपने रोटेट कराया और रोटेट कराकर यहां लेकर आ गए ऐसा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर आ गए। अब यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपने एंगल कितना चल लिया होगा, 180 डिग्री, कितने एंगल चल चुके होगे आप, 180 डिग्री चल चुके होगे। अब मैंने सपोज करो यहां पर एक रे बना दी, जैसे मैंने वहां पर एक रे बनाता था तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था एंगल, तो मैंने यहां पर एक रे बना दी इस तरह से। अब यहां पर दो एंगल क्रिएट हो गए, ये एक एंगल वन और ये एंगल टू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो एंगल क्रिएट हुए इनका सम कितना है, तो आप कहोगे कि एंगल वन और एंगल टू का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ऐसे एंगल का नाम प्यारे बच्चों क्या रखा जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल।
क्या नाम रखा जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं सप्लीमेंट्री, है ना, क्या रखें, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दूसरे टाइप के एंगल हमारे पास कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 102 कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ इसकी अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनती होगी, तो द एंगल्स आर सेट टू बी, द एंगल्स आर सेट टू बी क्या, सप्लीमेंट्री, क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। कब, सप्लीमेंट्री एंगल इफ सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री, अगर उनका मेजरमेंट सम, मेजरमेंट जो भी है उनका सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप बहुत सारे एग्जांपल यहाँ से बना सकते हो, ये रे जरूरी नहीं है इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, कहीं पर भी हो, हर बार एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने रे बनाई, यहाँ पर इस रे को अगर रोटेट करा दिया ओ ए बी, है ना, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर ऐसा कर लो तो ये 3, ये 4, अब मैं आपसे पूछूं 3 और 4 का सम कितना होगा, तो आंसर है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल्स 3 और 4 क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, इसी तरह से ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। मतलब एंगल 1 का सप्लीमेंट कौन है, तो आंसर है एंगल 2। क्यों, क्योंकि एंगल 1 में जब एंगल 2 ऐड कर दिया जाएगा तो सम 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए एंगल 2 एंगल 1 के लिए क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट। इसी तरह से एंगल 2 के लिए सप्लीमेंट कौन है, तो एंगल 2 के लिए वो एंगल सप्लीमेंट होगा जो उसमें ऐड हो जाए तो वो 180 डिग्री का सम दे दे। तो एंगल 2 के लिए सप्लीमेंट कौन हुआ, एंगल 1। तो एंगल 1 के लिए सप्लीमेंट एंगल 2 होता है, एंगल 2 के लिए सप्लीमेंट एंगल 1 होगा। इसी तरह से एंगल 3 के लिए सप्लीमेंट कौन होगा, तो आंसर है एंगल 4, और एंगल 4 के लिए सप्लीमेंट कौन होगा, तो आंसर है एंगल 3, ठीक है। इस तरह से आप करते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, और इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम देख लेंगे। तो अभी तक हम अगर समझें तो हमने क्या देख लिया कि एंगल्स किसे कहते हैं, एंगल्स के वेरियस टाइप क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ टर्मलॉजी, जैसे एंगल बाइसेक्टर हो गया, और इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ऑन द एंगल, ये सब टर्मलॉजी क्या है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास कोई एक एंगल है और यहाँ पर एक रे खींची जाए, तो हम जानते हैं कि वो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और अगर वो दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो ये वाली जो रे है, इस रे का नाम क्या रखा जाएगा, उसी रे का नाम कि ये क्या है, इस एंगल की ये क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो ये रे ओसी क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। फिर से, ये एक एंगल है और ये एक रे बनाई गई सच दैट कि ये दो एंगल जो बने ये आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे ओसी रे जो है वो इस वाले कंप्लीट एंगल की क्या है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। फिर इसके बाद आपने जो टर्म देखे वो आपने देख लिए, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो इंटीरियर में लाई करते हैं, कुछ इस एंगल के बाहर एक्सटीरियर में लाई करते हैं, और कुछ ऑन द एंगल लाई करते हैं, तो उन्हें ऑन द एंगल कह देते हैं। फिर इसके बाद आपने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर के अंदर अभी तक आपने क्या क्या देख लिया कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल्स के टाइप क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इससे, लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड या इससे एसोसिएट जो भी और टर्मिनोलॉजी है वो कौन कौन सी है, उनमें जो सबसे पहला टर्म आता है प्यारे बच्चों, वो हम देख लेते हैं आज की क्लास में, वो है एडजसेंट
एडजसेंट एंगल्स, एडजसेंट एंगल्स ये टर्म आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं एडजसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो सपोज करो आपके पास ये कोई एक रे है ओ ए, ये एक रे है ओ ए, और यहाँ पर भी कोई एक रे है। सपोज करिए ये जो रे है ये है ओ बी, सच दैट ये दोनों रे जो बनाई गई हैं ये एक कॉमन पॉइंट रखती हैं ओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और रे बना दी ऐसी, ये एक रे बना दी और इस रे का नाम मैंने रख दिया प्यारे बच्चों ओ सी। ये जो रे मैंने बनाई ये क्या बनाई, ओ सी। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओ सी रे बनाई तो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला एंगल था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये एंगल और एक ये इतना एंगल, ठीक है। ये जो दो एंगल हैं ये दो एंगल क्या कहलाएंगे, एडजसेंट एंगल्स। क्यों, क्योंकि एडजसेंट एंगल्स जो होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती हैं, पहली बात तो ये कि जो एडजसेंट एंगल होते हैं उनमें एक कॉमन आर्म होती है। क्या होती है, एक कॉमन आर्म। अब कॉमन आर्म है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो जो एडजसेंट एंगल हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक है ए ओ सी, यहाँ पर आप इस एंगल को कैसे लिखोगे, ए ओ सी। यहाँ पर दो एंगल क्रिएट हुए हैं ना, जैसे ही आपने ओ सी रे बनाई तो दो दो एंगल बने, वो एक तो ये एंगल बना एक ये एंगल बना, तो इस वाले एंगल का नाम क्या नाम है, ए ओ सी। अच्छा, इस वाले ऊपर वाले एंगल का क्या नाम है, बी ओ सी, ठीक है। तो बी ओ सी ये दोनों एंगल मैं कह रहा हूँ कि कैसे एंगल हैं, ये दोनों मैं कह रहा हूँ एडजसेंट एंगल है। तो क्यों कह रहा हूँ एडजसेंट एंगल, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए ओ सी वाले में ओ सी आता है और बी ओ सी वाले एंगल में भी ओ सी आता है, तो ये ओ सी क्या है, इन दोनों में कॉमन आर्म। फिर से ए ओ सी में भी ओ सी आता है, और अगर बी ओ सी एंगल ये वाला एंगल देखते हो तो बी ओ सी इसमें भी ओ सी आता है। तो जो एडजसेंट एंगल होते हैं उनके पास क्या होती है, एक कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म। एक तो प्यारे बच्चों ये पहचान होती है कि उनके पास एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये ए ओ सी एंगल और बी ओ सी एंगल इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट भी होता है ना। लाइन तो दो पॉइंट से मिलती है, तो ओ सी और ओ सी ये मिल गया तो हमने कहा एक कॉमन आर्म मिल गई। अब पॉइंट यानी कि एक सिर्फ, तो ये वाला ओ देखो यहाँ पर भी आ रहा है और ओ यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये दोनों में क्या है, एक कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, दे हैव सेम वर्टेक्स। कैसी वर्टेक्स होती है उनके पास, सेम वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगी। जैसे यहाँ पर ओ वर्टेक्स, जैसे ए ओ सी के लिए ओ वर्टेक्स है और बी ओ सी के लिए भी ओ वर्टेक्स है, तो मैं कहूँगा ये कैसी वर्टेक्स रखते हैं, सेम वर्टेक्स, ठीक है। और थर्ड अगर पहचान देखें तो यहाँ पर ये जो फिगर बनाया हुआ है इसमें से ये वाली जो लाइन है ओ सी वाली जो आर्म है ये कौन सी आर्म है, तो आंसर है ये कॉमन आर्म है। कौन सी आर्म, कॉमन आर्म, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वर्टेक्स है ये कौन सा वर्टेक्स है, तो ये कॉमन वर्टेक्स है, दोनों में सेम है ये कॉमन वर्टेक्स। और ये वाली जो साइड है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये कैसी हैं, नॉन कॉमन आर्म। इनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाली भी क्या है, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। अब नॉन कॉमन आर्म जो हैं ये इधर साइड हैं, जैसे जो कॉमन आर्म है इसके एक साइड में नॉन कॉमन आर्म होगी और दूसरी साइड में क्या होगी, दूसरी नॉन कॉमन आर्म होगी। तो जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो इधर साइड होती हैं एंगल्स के, इस एंगल के भी इस एक साइड में ये वाली नॉन कॉमन आर्म होगी और दूसरे वाले एंगल के नॉन कॉमन आर्म होगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर हैं वो इधर साइड है, एक साइड इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। तो क्या लिख लेंगे हम, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर इधर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, ये तीन पहचान है इसकी, किसकी, मुझे कहना चाहिए एडजेसेंट एंगल की। ठीक है ना, तो फिर से कॉमन आर्म या एडजेसेंट एंगल्स की क्या पहचान होती है, ये दोनों एंगल अगर एडजेसेंट हैं तो इनकी क्या पहचान होगी, तो आंसर इनमें एक तो कॉमन आर्म होगी, जैसे कि ओ सी इन दोनों में कैसा है कॉमन, एक कॉमन पॉइंट होगा जैसे ओ दोनों में कॉमन है, दो हो गई पहचान। तीसरी, जो कॉमन वाली आर्म होती है उसके एक साइड में नॉन कॉमन आर्म होगी और दूसरी वाली साइड में भी नॉन कॉमन आर्म होगी, तो ये एडजेसेंट एंगल की पहचान हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म बनता है। देखो यहाँ पर मैंने एक कॉमन, यहाँ पर एक रे बनाई मैंने, सपोज करिए इस रे का नाम है ओ ए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और रे बनाई, बट इस बार वो रे जो थी वो इस साइड में बनाई, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाई, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, और जो मेरा कॉमन आर्म था वो मैंने ऐसे ही रखा उसी पोजीशन में। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि मैं जो ओबी वाली रे है इसको ऐसा मैंने कर दिया, इसको यहाँ से लाकर ऐसा कर दिया, यहाँ पर आ गया, सच दैट कि ये जो ओबी वाली रे है वो अब ओए की कैसी हो चुकी है, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब क्या हो रहे हैं, अभी भी एंगल दो बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, अभी भी दो एंगल बन रहे हैं, और इन दोनों एंगल के क्या नाम है, एक एंगल का नाम है AOC, अभी भी नाम वही है AOC, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है BOC, है ना BOC। अब ये बताओ ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है, तो आंसर है हाँ ये एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, एक कॉमन आर्म OC, देखो दोनों में है OC दोनों में दिखाई दिया, इस वाली के पास, इस वाले एंगल में भी OC आता है और इस वाले एंगल को देखें तो इसमें भी OC आता है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है क्या, तो आंसर है हाँ दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो यानी कि ये भी कंडीशन फुलफिल होती है सेकंड वाली। थर्ड, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म है क्या, तो आंसर है हाँ है, इधर भी एक नॉन कॉमन आर्म है इधर भी, बट इस बार थोड़ा सा ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट है इस तरह से। तो ऐसे जो एंगल बनेंगे, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल का नाम क्या रखा जाता है, कि ये वाले एडजेसेंट क्या हैं, लीनियर पेयर। क्या नाम रखा जाता है प्यारे बच्चों, इनका लीनियर पेयर नाम रखा जाता है। ठीक है, एडजेसेंट ये है तो एडजेसेंट एंगल ही, लेकिन इन एडजेसेंट एंगल का एक स्पेशल नाम रख दिया। ये स्पेशल नाम हम कब रखते हैं, जब हमारा जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, है ना। देखो इसके अपोजिट ये है, यहाँ पर भी देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर कब बनेंगे, जब इस ओबी वाली रे को ये वाली जो नॉन कॉमन आर्म है इसकी जो दूसरी नॉन कॉमन आर्म है उसके अपोजिट कर दो इसको लाकर। तो ओबी को लाकर अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे की कैसे हो जाएंगी, अपोजिट। तो ये जो एडजेसेंट एंगल पहले बन रहे थे, अब वो एडजेसेंट एंगल का क्या नाम रख दिया हमने, लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि दो एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, इफ अगर उनकी दो नॉन कॉमन आर्म कैसी हो, अपोजिट रे हो। इफ टू नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज, कैसी रे हो, अपोजिट रेज हो, है ना, देन तब उस केस में क्या होगा, जो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे, देन एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, लीनियर पेयर। इनका नाम हम क्या रखते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपकी एक और टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ठीक है,
तो एडजेसेंट एंगल समझ में आता है क्या होता है? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनके पास एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या हो? नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, फिर से लीनियर पेयर समझ आता है? तो हाँ, लीनियर पेयर भी समझ आता है। लीनियर पेयर एक्चुअल में एडजेसेंट एंगल ही है जिसमें एक कॉमन आर्म है, दो नॉन कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। बट इनकी खास बात ये है कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस टाइप के एडजेसेंट एंगल का नाम लीनियर पेयर रखा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड, लीनियर पेयर से रिलेटेड ही प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ कॉरोलरी होंगी उनको भी हम देख लेंगे। मतलब जो थ्योरम हम प्रूफ करेंगे उससे और जो रिजल्ट बन सकते होंगे उन रिजल्ट्स को भी हम यहाँ पर आज की क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम नंबर वन, आरएस अग्रवाल की बुक में थ्योरम नंबर वन, इफ आ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, एक लाइन जिस पर मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ये कोई एक लाइन है, ये बात ध्यान से सुनते जाना, ये कोई एक लाइन है और इस लाइन पर मैं बनाने वाला हूँ प्यारे बच्चों एक रे स्टैंड करा रहा हूँ इस पर कहीं पर भी। ठीक है, तो मैंने बनाई एक रे, ये जो रे बना रहा हूँ इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ओ और एक एंड पॉइंट है सी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रे ओ सी है ये स्टैंड कर रही है किस पर? इस लाइन ए बी पर। इस लाइन ए बी पर ये ओ सी रे क्या है? स्टैंड कर रही है। ओके, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो इसने एंगल क्रिएट किए हैं, दो एंगल इस ओ सी रे ने जो यहाँ पर दो एंगल क्रिएट किए हैं, ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन, गिवन क्या है, ओ सी इज अ रे स्टैंड, स्टैंड किस पर कर रही है? स्टैंड ऑन लाइन, स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ए बी लाइन पर स्टैंड कर रही है। ओके, प्रूफ क्या करना चाहता हूं मैं? तो टू प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों? मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम कितना? 180 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, करा दीजिए, जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो उसको यहाँ पर ऑलवेज आप टू प्रूफ के नीचे लिख लिया करिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये करा रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी तरफ से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक परपेंडिकुलर मैंने बना लिया। ओके, ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है ओ डी, इसका मैंने क्या नाम रखा? ओ डी। ओ डी क्या है? परपेंडिकुलर। कहाँ पर? इस लाइन ए बी पर मैंने ओ डी को क्या बनाया है? परपेंडिकुलर। तो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया? कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो जब भी आपके पास थ्योरम आएगी तो सबसे पहले आप उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? गिवन लिखना। गिवन हमें कहाँ से मिलता है? थ्योरम में से। अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो जो रे स्टैंड आपने कराई है वो रे लिख दो, ठीक है, और ऑन अ लाइन किस लाइन पर कराई है वो लिख दो, तो ये हमें क्या है? गिवन। फिर वो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं इन एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो एडजेसेंट एंगल का नाम क्या है? ए ओ सी, एक तो ये एंगल है और दूसरा एंगल बी ओ सी, एक ये एंगल है, इन दोनों का सम में क्या प्रूफ करना है? 180। तो गिवन के बाद नेक्स्ट आप क्या लिखते हो? टू प्रूफ। ठीक है, फिर आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन कराते हो तो वो कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिखते हो। हमने क्या कंस्ट्रक्शन कराया है? हमने ओ डी जो ए रे है ओ डी, इसको हमने परपेंडिकुलर बनाया है किसके? ओ बी के। ठीक है, इतना करने के बाद फिर स्टार्ट होता है आपका क्या? प्रूफ। यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, और प्रूफ करना भी बिल्कुल आसान होता है किसी भी थ्योरम को।
वो इसलिए आसान कह रहा हूँ मैं क्योंकि जब भी आप किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हो तो वहाँ पर आपको पहले से बताया होता है कि आपको कैसे करना है, पहले से बताया होता है क्वेश्चन में कैसे। टू प्रूफ से ऑलवेज आपको आइडिया लगता है कि आपको क्वेश्चन को थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है। जैसे हमें क्या चाहिए, AOC चाहिए है ना, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें AOC और BOC का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप इस फिगर में सिर्फ AOC को ढूंढो कि AOC है कहाँ पर, किसको ढूंढो पहले, AOC को, ठीक है। मैंने ढूंढा AOC, ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये एंगल दो एंगल के सम के इक्वल है। कौन कौन सा एंगल, इतना एंगल प्लस इतना, ये छोटा वाला एंगल, ये मिलकर बनाता है क्या, AOC। तो मैंने लिख लिया कि जो एंगल AOC है, एंगल AOC ये किस किस के सम के इक्वल है, एक तो ये वाला एंगल इतना एंगल और एक इतना एंगल छोटा, तो इस एंगल का क्या नाम है, AOD। क्या नाम है, एंगल AOD प्लस, और ये जो छोटा वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है COD, ठीक है, एंगल COD, ये मैंने लिख लिया। फिर से हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, AOC की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले फिगर में देखा कि AOC कहाँ है, AOC यानी इतना एंगल, और ये जो इतना एंगल है ये दो एंगल के सम के इक्वल है, एक तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि जो AOC है वो AOD प्लस COD इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या आप चाहो तो यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हो कि AOC इक्वल्स टू AOD, ये कितना एंगल है, तो आंसर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने जो OD है वो परपेंडिकुलर बनाया है, तो AOD इतना एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 90 डिग्री प्लस एंगल कौन सा, COD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप फर्स्ट नाम मारकर छोड़ दीजिए। अब एक काम हो चुका क्या, AOC के बारे में। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, BOC एंगल। तो BOC ढूंढ लो कहाँ पर है, तो हमें मिल गया BOC। अब लेकिन ये जो BOC एंगल है इसको हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम BOD में से, ध्यान से देखना, BOD ये वाला जो एंगल है इतना बड़ा एंगल, ये इतना एंगल, इतने एंगल में से अगर मैं ये छोटा वाला एंगल माइनस कर दूँ तो ये एंगल बच जाएगा, है ना। तो BOD में से अगर मैं ये छोटा वाला एंगल इस पूरे में से अगर मैं छोटा एंगल माइनस कर दूं तो ये इतना एंगल बच जाएगा, है ना। तो मैंने यही सोचा कि BOC को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा BOC, ये जो BOC एंगल है ये किसके इक्वल है, तो आंसर है BOD माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, COD, तो ये इक्वल है BOD माइनस एंगल COD, ठीक है, अच्छा ऐसे। और यहाँ से BOC इक्वल्स टू BOD, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है या नहीं है, तो 90 डिग्री यहाँ पर लिख लो किसकी जगह, BOD की जगह, और माइनस में क्या चल रहा है, COD, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फिर से हमें देखा कि हमें AOC की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने पहले AOC निकाल लिया, AOC ये दो एंगल के सम के इक्वल है AOC, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, और उसमें से AOD 90 डिग्री है। फिर हमने देखा कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, BOC एंगल की, तो BOC एंगल के लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, देखो BOC एंगल जो है ये इतना एंगल है, इस ये एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है दिस एंगल माइनस दिस एंगल, इसमें से ये एंगल, तो ये जो कंप्लीट एंगल है इसका नाम क्या है, BOD, और उसमें से हम माइनस कौन सा कर दें, ये छोटा वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, COD। तो अगर BOD में COD माइनस कर दिया जाए तो कौन सा एंगल आ जाता है, BOC एंगल, BOD में से COD माइनस कर दिया जाए तो कौन सा एंगल आ जाता है, BOC एंगल, ठीक है। और इसमें से BOD 90 डिग्री है। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा लो, तो यहाँ पर लिखो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ओके ऐड कराइए, तो
तो ऐड कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड वाली चीज़ें वो इस साइड ऐड होंगी और राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड में ऐड होंगी। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, AOC है, तो यहाँ पर लिख लो AOC, और सेकंड वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, BOC, तो ये इधर ऐड होगा BOC इक्वल्स टू। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो जो चीज़ें वो लिख लो क्या क्या हैं, 90 प्लस एंगल COD, ओके। और सेकंड वाले की लिख लो, अब इसमें ये ऐड होगा ना, देखो इस वाले में ये ऐड हुआ, ये यहाँ पर लिख दिया, और इधर ये ऐड होगा, तो प्लस में क्या लिखोगे, 90 माइनस COD, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कराने का मतलब क्या हो गया कि इसको इसके साथ ऐड करके लिखो और इधर वाली चीज़ को इधर वाली के साथ ऐड करके लिख दो, तो ये चीज़ मैंने ऐड करा दी इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, COD एंगल से COD एंगल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, AOC प्लस BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये बच जाएगा इक्वल्स टू, और इधर 90 और 90 ये दोनों ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और यही तो रिक्वायरमेंट है हमें, इसी की हमें क्या है रिक्वायरमेंट है कि AOC और BOC का सम हमें कितना दिखाना है, AOC और BOC का सम हमें 180 डिग्री दिखाना है, ये देखिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, हमारे पास यहाँ से प्यारे बच्चों ये प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ऐसे कोई एक लाइन है, सपोज करिए AB, और उस पर अगर कोई एक रे है OC स्टैंड की गई है, तो वहाँ पर जो एंगल बनते हैं, ये दो एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और एक्चुअल में ये कौन सा पेयर है, एडजेसेंट एंगल तो है ये, लेकिन एडजेसेंट एंगल का कौन सा पेयर है, तो आंसर है ये कहलाता है लीनियर पेयर। क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। तो आगे से अगर कभी ऐसा होगा कि एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो हम कहेंगे उन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, और उसका रीजन क्या देंगे कि वो कैसे पेयर हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपके पास लीनियर पेयर वाली क्या आ जाती है, थ्योरम आ जाती है। तो इस थ्योरम की हेल्प से आपने प्रूफ कर लिया कि दो एंगल जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम को अगर छोटे फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, इस एंगल को अगर छोटे फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख लेना, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कितना होता है, इस 180 डिग्री, ठीक है ना। ये थ्योरम छोटी फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो फिर से अब आगे जो अब आपको रिजल्ट यूज करने, तो कैसे करोगे, जब भी किसी लाइन पर एक रे स्टैंड की जाएगी तो उन दोनों एंगल को हम कहेंगे लीनियर पेयर, दो एंगल जो बनेंगे उनको कहेंगे लीनियर पेयर, और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको करते हैं। ये हो गई प्यारे बच्चों आपकी थ्योरम नंबर 1। अब इस थ्योरम नंबर 1 की हेल्प से फिर आप जितने भी रिजल्ट प्रूफ करेंगे वो इस थ्योरम की क्या कहलाएंगे, कोरोलरी, ठीक है ना। कोरोलरी के केस में हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट हम प्रूफ कर चुके हैं उसी से हम और रिजल्ट्स को प्रूफ करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला जो कोरोलरी आता है, या हम कहें ये भी अपने आप में क्या है, एक थ्योरम ही है, कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म द सेम साइड ऑफ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। देखो यहां पर उसने ये बोला है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई एक लाइन है इस तरह से, ये कोई एक लाइन है, यहां पर हमने एक लाइन बनाई ऐसे, ये कोई एक लाइन है AB, ओके। अब इस लाइन AB पर यहां पर कोई एक पॉइंट है O, और इस पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, सिर्फ दो एंगल नहीं, बहुत सारे। तो बहुत सारे कैसे बन सकते हैं, जब यहाँ पर बहुत सारी रे हों ऐसे, है ना, बहुत सारी रे हों इस तरह से, तो ये इस तरह से आप रे ले लो, तो यहाँ पर कितने सारे एंगल बन के तैयार हो गए। तो आंसर देखो, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, और एक एंगल ये बना। हमें प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बन रहे हैं
उस पॉइंट पर सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, इन सब का सम कितना प्रूफ करना है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो मैंने रे बनाई है इनका नाम रख देता हूँ सी ओ डी और ओ ई, ओके। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले तो लिखोगे गिवन, गिवन में आप लिख दो कि ओ सी ओ डी एंड ओ ई ये क्या है, सब रेज हैं। स्टैंड कहां पर किए हैं आपने, स्टैंड्स ऑनलाइन, स्टैंड्स ऑनलाइन कहां पर स्टैंड कर रही हैं ये सब, ए बी वाली लाइन पर, ठीक है। प्रूफ लिख लो, प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करके देना है कि एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री, एंगल फोर, इन सब का सम 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, प्रूफ। आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रूफ करोगे। अब प्रूफ करने के लिए जो हम लास्ट सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ के आए हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी लाइन पर अगर ये मेरे पास कोई एक लाइन है, इस पर कोई रे स्टैंड करेगी तो जो दो एंगल बन के तैयार होंगे उन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आप इनमें से किसी भी रे की बात कर लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, ये ओ सी क्या है, एक रे, ओ सी इज अ रे स्टैंड ऑन लाइन ए बी, है ना, ये क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है किस लाइन पर, ए बी लाइन पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये बना ली, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये एक रे है, ये एक लाइन है ए बी, और यहाँ पर एक रे बन रही है इस तरह से उस फिगर में, ओ सी। अब इतनी सारी रे में से सबसे पहले ओ सी वाली रे की बात करो आप उससे, तो ओ सी जो रे है और ये ए बी अगर एक लाइन है तो यहाँ पर जो दो एंगल बनेंगे इनका सम कितना होगा, तो आंसर है 180 डिग्री। तो ओ सी एक रे है जो कि ए बी लाइन पर बन रही है, तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे कि ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर, ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात प्यार बच्चों। अब यहाँ पर जो बीओसी एंगल है, बीओसी एंगल, इस बीओसी एंगल को आपने किससे डिनोट किया है, एंगल फोर से, तो यहाँ पर एंगल फोर लिख दीजिए आप, ठीक है। अच्छा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंगल एओसी की अगर हम बात करें तो जो एंगल एओसी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, इसके बीच में देखिए आप ध्यान दीजिए कितने एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी, ये इतना जो एंगल है ये किस किस के इक्वल है, एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री के सम करोगे आप तब जाकर बनेगा ए ओ सी। फिर से ए ओ सी किसके इक्वल है, एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री के सम के इक्वल। तो यहां पर हम एंगल ए ओ सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये तीनों जब ऐड कराए जाते हैं तब जाकर बनता है क्या, ए ओ सी। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 180 डिग्री के। अब इसको आप सीधा स्ट्रेट करके लिख दीजिए, क्या लिखोगे, एंगल वन है हमारे पास, एंगल टू है और एंगल थ्री है, और प्लस में क्या लिख लीजिए, एंगल फोर, ये भी आप पीछे लिख दीजिए, ये आगे लिख लीजिए, इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एंगल वन टू थ्री फोर इन सब का सम कितना, 180 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल आसान है, कैसे किया, फिर से यहाँ पर एक लाइन है ए बी और यहाँ पर बहुत सारी रे बन रही है जिनसे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो हमें ये करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ जितने भी एंगल बने, चाहे 100 एंगल बन जाए, 100 रे बना लो, बहुत सारे एंगल बना लो, कितने भी एंगल बन रहे हो इस लाइन की सेम साइड पर, कहाँ पर बनने चाहिए, क्या बोला है, ऑन द सेम साइड, सेम साइड पर जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, ए बी वाली लाइन ली, इस ए बी वाली लाइन पर सिर्फ एक रे की बात की, पहले मैंने सबसे पहले एक रे, तो मैंने ओ सी वाली रे को पकड़ा,
और वहीं से अपना थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट किया कि अगर ये OC एक रे है जो कि स्टैंड कर रही है AB लाइन पर, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो BOC एंगल है, इसको तो एंगल 4 से डिनोट किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया BOC और AOC का सम 180 डिग्री है, तो BOC को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 4 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। अब ये जो AOC एंगल बचा हुआ है, इसमें यहाँ पर 3 एंगल बने हुए हैं इस तरह से, ऐसे कौन कौन से, 1, 2, 3। तो ये जो AOC इतना एंगल जो है, ये 1, 2 और 3 के सम के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर AOC की जगह क्या लिख दिया, 1, 2, 3। और इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेट करके लिख दिया कि वेल 1, 2, 3 सिक्वेंस में लिख दिया 4 और इक्वल्स टू क्या, 180। तो ये प्रूफ हो गया। अब मान लो सर यहाँ पर और होते तो यहाँ पर कितनी भी लाइनें खींच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो जाएगी बस, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसे लिख लोगे, और यहाँ पर कोई एक एंगल ले लो 5 है ना। तो आप जब भी कराओगे तो हमेशा लीनियर पेयर ही बन रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना, 180 डिग्री है ना। तो इस एंगल का आप क्या नाम रख दोगे, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ कितने भी एंगल बनते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइड पर जितने भी एंगल आएंगे उन सबका सम ऑलवेज कितना रहने वाला है, ऑलवेज 180 डिग्री रहने वाला है। तो फिर से मैं आपको अगर बोलूं कि ये कोई एक रे है CD, ठीक है, ये कोई एक रे है CD, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कुछ रे बनी हुई है ऐसी, ये ओके, ये कुछ रे बनी हुई है इस तरह से, और मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कुछ एंगल बने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सारे एंगल का सम कितना होगा, तो आप आंसर दोगे सर 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनका कुछ नाम रख दूं AB CD E, तो आप कहोगे कि देखो ये जो एंगल 1 है और ये बाकी का पूरा एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल को तो आप लिख लोगे एंगल 1 प्लस ये जो एंगल है इसका नाम क्या है, COA, यही तो लिखोगे, एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल COA, ऐसा लिखोगे आप, इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। और एंगल 1 ऐसी ठीक है, बट COA जो एंगल है ये किसके सम के इक्वल है, तो आंसर है 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या लिख रहे होगे, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर और 100 एंगल बना दिए जाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक रिजल्ट बन जाता है, किसकी हेल्प से बना, ये लीनियर पेयर की हेल्प से, ठीक है ना। एंड दिस इज कोरोलरी 1।